टुडेज ब्लॉग थोड़ा सा आवाज़ धीमी आ रहा होगा, सॉरी। सुबह की बात है, अभी आज हम जा रहे हैं मुंबई। थोड़ा सा काम है, पर्सनल काम है, और थोड़ा पर्सनल एजेंडे के साथ जा रहा हूँ, और ऑफिस भी वही करेंगे 2 दिन। और कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे ट्रिप आए बढ़ती है आगे। पिछले ब्लॉग में मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके, मतलब मेनी ऑफ द पीपल मैसेज मी कि भाई आप, अभी हाल ही में मैंने इस्तांबुल गया उसका क्यों नहीं डाला। तो देयर वाज अ रीजन एक्चुअली, आई वांटेड टू कीप इट एज सीक्रेट एज पॉसिबल, थोड़ा सा प्राइवेट रखना है उसको। तो यार थोड़ा समझो प्लीज, स्टार्ट अ ट्रिप। पहुंच गए भाई साहब, मज़ा आ गया भाई। क्या फ्लाइट थी एकदम, मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, मतलब कि एक्चुअली 2-4 जगह पे मैंने ट्रैवल किया है, एंड आई जस्ट केम फ्रॉम एकदम से, यू नो, फिर वो ट्रिप से, फिर ये वो सारे, फिर एक ही दिन मुझे रेस्ट के लिए मिला। रेस्ट किया, पूरा दिन सोया हूँ, कल कल नहीं सॉरी परसों सोया, एंड कल रात को तो सिर्फ 3 घंटा सोया, और मैं अभी एयरपोर्ट पे था आज। तो 3 घंटे सो के खाली उठ के भाई साहब, डेडिकेशन देख रहे हो ट्रैवलिंग की। अरे बात तो सही है। हाँ भाई साहब, और मुंबई में तो भाई, मुंबई मेरी जान है, और मेरा खुद का घर है मुंबई में। तो घर का एक टूर दे दूंगा थोड़ी देर में। ये थोड़ा सा एक रूम है, एक एक बोलते ना गेस्ट है, मैं दिखा दूंगा। तो आई विल पोस्ट इट ऑन द इंस्टाग्राम, डू चेकआउट हाउ द होम। और हाँ, 2-3 दिन घूमेंगे फिरेंगे, मस्त खाएंगे पियेंगे, मज़े करेंगे। आज हीरानंदानी में जाएंगे शाम को, इवनिंग में। थोड़ा सा किसी को मिलना है, किसको बताऊंगा बाद में। यार थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा धीरे धीरे सुन दे। समझ रहे हो आप? आज तो है, और कल तो अपने भाई के साथ है, तो किलर मज़े आने वाले हैं। स्टे ट्यून। ओह भाई साहब, क्या चाय थी, बढ़िया मज़ेदार भाई। तो मैं ऐसा लग रहा हूँ नशे हो गए भाई, थूक के बैठा ऐसा लग रहा है, अलग ही नशे। तो अभी तो ऑफिस का टाइम है, ऑफिस का काम करना बहुत जरूरी है ना। तो अभी निपटा रहा हूँ, एंड आई थिंक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आपको सब चीज़ें सोच समझ के करनी है। बाहर जैसे निकलता हूँ मैं, पूरे शॉर्ट्स आपको मैं दिखा दूंगा, कहाँ जा रहे हैं मैं बताऊंगा। जैसे मैंने बोला मैं हीरानंदानी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि घर भी दिखा दूंगा, और एज वेल एज किससे मिलना है वो भी मैं बता दूंगा, रिवील कर दूंगा किससे मिल रहा हूँ आज। स्टे ट्यून। बहुत कल मतलब बहुत थक गया था, मतलब सो गया लिटरली। अभी मॉर्निंग इट्स 7 o'clock, अभी रेडी होते हो ऑफिस के लिए निकलते हैं, थोड़ा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, ब्रेकफास्ट करूँगा फिर निकलूँगा, तो इट विल टेक सम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट अ डे। ओ बाय द वे, कल मैं किससे मिला मैं बताऊँगा नहीं यार, सॉरी, थोड़ा सा सीक्रेट इस बेचारे का कोई कसूर? रखना। बहुत अच्छा रहा टाइम, इट वॉज गुड, अच्छा टाइम टू टू स्पेंड टाइम ऑन ऑल, तो बहुत अच्छा था। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे।
गुड मॉर्निंग। खबर बहुत बिजी था 2 दिन से, और बहुत ज़्यादा काम वगैरह ये सारी चीज़ें थी, और पर्सनल काम भी बहुत निपटाने थे। तो आई एम डन विद दैट, और अभी मस्त नींद कर चुका हूँ। 8 घंटे की नींद की अब बढ़िया से। अभी आज निकलेंगे यहाँ से, काम हो चुका है एंड सारा काम ख़त्म करके देना। नाउ विल गो टू ऑफिस, विल ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, विल गो बैक टू बैंगलोर। Stay tuned for the next things. Let's start our day.